हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बात करेंगे फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में। ऐसे बर्ड्स जिसमें फ्लाई करने की एबिलिटी नहीं होती है इसी को फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं बर्ड्स के, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रिच के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम है स्ट्रोथियो कैमिलस। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच इट्स 4 स्पीसीज अकरिंग नेचुरली इन एरिड रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एब्रिया। तो जो ऑस्ट्रिच होते हैं, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, इसके लगभग 4 स्पीसीज होती हैं जो कि अफ्रीका और अरेबिया के एरिड रीजन में पाई जाती हैं। एरिड रीजन मतलब शुष्क जगह जो होती है, शुष्क रीजन जो होता है, शुष्क क्षेत्र जो होता है, उसको एरिड रीजन बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, अटेनिंग ए हाइट ऑफ द मोर दैन 2.5 मीटर्स एंड वेट ऑफ 150 kg। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स, ये लार्जेस्ट बर्ड होता है, अटेनिंग ए हाइट ऑफ मोर दैन 2.5 मीटर्स। इसकी हाइट 2.5 मीटर लगभग हो सकती है और इसका वेट 150 kg हो सकता है। हेड, नेक एंड लेग्स आर स्पार्सली फेदर्ड। जो हेड, नेक और लेग होता है उस पर जो फेदर होते हैं, पर पंख जो होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत कम होते हैं। विंग्स आर स्मॉल एंड यूजली केप फोल्डेड। विंग्स जो है कैसे होंगे, छोटे होंगे और लगभग और यूजली ये फोल्ड हुए रहते हैं, मतलब ये मुड़े हुए रहते हैं। वाइल रनिंग बट समटाइम, तो मतलब क्या, यूजली केप फोल्डेड वाइल रनिंग, मतलब कि जब ये रन करते हैं रनिंग के टाइप पर, इनके जो फेदर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो फोल्डेड होते हैं। बट सम टाइम एक्सपेंडेड, लेकिन कभी कभी एक्सपेंड भी करते हैं, इसको खोलते भी हैं। एंड यूज एज अ ब्रेक और स्टेयरिंग, और ब्रेक की तरीके से, स्टेयरिंग के तरीके से, जो गाड़ी का ब्रेक स्टेयरिंग होता है उसके तरीके से इसको वो यूज़ करते हैं। मेल एंड फीमेल डिफर इन कलर ऑफ देयर प्यूमेज। जो मेल और फीमेल होते हैं वो कलर में डिफर होते हैं अपने पंखों के, ठीक है, पंख के जो उनके कलर होते हैं उससे डिफर होते हैं। द टेल एंड विंग आर वाइट वाइल द रेस्ट आर ब्लैक इन मेल। जो मेल्स होते हैं उसमें टेल और विंग्स जो इनकी होती है वाइट कलर होते हैं, जबकि जो रेस्ट, इसके अलावा जो उसकी बॉडी जो बची हुई रहती है टेल और विंग को छोड़कर, वो पूरा ब्लैक कलर का होता है। फीमेल्स आर यूजली ग्रेइश ब्राउनिश और वाइट कलर। फीमेल यूजली कैसे होते हैं, ग्रेइश ब्राउनिश और वाइट कलर के होते हैं। इट कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकते हैं। द फूड कंसिस्ट मिस्टीफली ऑफ हर्बेज इंक्लूडिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। इनकी जो फूड होता है इसे मेनली हर्बेज होता है, मतलब कि घास, और उसके साथ साथ सीड वगैरह और फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ वेरी लार्ज, नीली 1.5 kg। इनका जो एग होता है बहुत लार्ज होता है, लगभग 1.5 kg का हो सकता है ये। एंड रिक्वायर्स 50 मिनट्स टू बॉयल, उसको बॉयलिंग होने में 50 मिनट लगभग लगता है। और ये पॉलीगैमस होते हैं, मतलब कि इनके जो मेट होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम रिया के बारे में। रिया अमेरिकाना, रिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्पीसीज इनहेबिटिंग द प्लेन्स ऑफ पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका। इसकी लगभग तीन स्पीसीज होगी, और ये प्लेन्स ऑफ पैम्पस जो एरिया होता है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे ये इनहेबिट करता है, वहाँ पाया जाता है। तो प्लेन ऑफ पैम्पस मतलब प्लेन मतलब मैदान से हो गया, पैम्पस मतलब वृक्षहीन जैसे जगह जो होती है जहाँ पे वृक्ष मतलब कि पेड़ नहीं होते हैं, तो उसको प्लेन्स ही बोलोगे आप। तो ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के। दे आर यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं। दे आर स्मॉलर 1.5 मीटर्स, लगभग 1.5 मीटर्स के ये होते हैं दैन द ट्रू और ओल्ड वर्ल्ड ऑस्ट्रिच। मतलब कि ऑस्ट्रिच के मुकाबले में ये स्मॉल होते हैं, 1.5 मीटर के ये होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ऑस्ट्रिच 2.5 मीटर्स का होता है। हेड एंड नेक आर फेदर्ड, हेड और नेक पे इसमें फेदर रहेगा। पॉलीगैमस होंगे, मतलब मेट इसके ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। नेस्ट डिग बाय मेल, नेस्ट कौन डिग करेगा, कौन डिग करता है, मेल डिग करता है। एंड ऑल फीमेल्स यूज टू ले एग्स इन सेम नेस्ट, और सारी फीमेल्स एक नेस्ट, उसी नेस्ट के अंदर एक देती हैं। तो मैंने जैसे बताया था पॉलीगैमस होते हैं, मतलब कि मेट्स एक से ज़्यादा होते हैं। नीली 50 एग्स आर लेड इन ए सीज़न, एक सीज़न में लगभग 50 एग्स 50 एग्स से लेड करते हैं, देते हैं। फ्रेशली एक साल लेमन येलो एंड रिक्वायर्स 40 डेज इंक्यूबेशन। जो फ्रेशली एक होता है वो येमन येलो का होता है, और उसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, पीरियड होता है, वो 40 डेज का होता है।
उसके बाद हम बात करेंगे ईमू के बारे में। नेक्स्ट टू ऑस्ट्रिच ईमू ड्रोमियस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोमियस इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। मतलब ऑस्ट्रिच के बाद मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रिच सबसे लंबा बर्ड होता है, लार्जेस्ट होता है ना, सबसे बड़ा होता है, तो ऑस्ट्रिच के बाद जो है ईमू आता है जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड होता है सेकेंड नंबर पर। स्टैंडिंग मोर देन 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर की हाइट होती है इसकी। देयर आर टू स्पीसीज कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया इनहेबिटिंग सैंडी प्लेन्स और ओपन फॉरेस्ट, जिसमें से दो और उनके दो स्पीसीज होती है जो ऑस्ट्रेलिया के सैंडी प्लेन्स में या फिर रेत के मैदानों में या फिर ओपन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं, इनहेबिट किए जाते हैं। ईमू हैज़ शॉर्टर नेक कवर्ड विथ फेदर्स, ईमू की जो नेक होती है शॉर्ट होती है और नेक से और फेदर्स से कवर्ड होती है। बॉडी इज कवर्ड विथ ए ड्रैप कलर्ड प्लूमेज, जो बॉडी होती है और ड्रैप कलर प्लूमेज से कवर्ड होती है, प्लूमेज मतलब पंखों से होती है, ड्रैप मतलब भूरे कलर, भूरा कलर आपका समझ सकते हो, ठीक है, भूरे कलर के पंख से उसकी बॉडी कवर्ड होती है। एंड बोथ द सेक्सेस आर सिमिलरली कलर्ड, और दोनों सेक्सेस मेल फीमेल सिमिलर कलर होता है उनका, एक कलर के जैसे होते हैं। बर्ड फीड ऑन फ्रूट रूट्स एंड हर्बेज, बर्ड्स क्या करते हैं, फीड करते हैं फ्रूट को, रूट को और हर्बेज को, ये खाते हैं। तो ये फ्रूट्स को, रूट्स को, हर्बेज को खाते हैं। इट लव्स बाथिंग एंड स्विमिंग, इनको बात करना स्विम करना पसंद होता है। द एग्स आर ग्रीन इन कलर एंड देयर नंबर इज यूजुअली 15 to more, एग्स ग्रीन कलर के होंगे, उनके नंबर लगभग 15 से ज़्यादा हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज 60 days, अंडा सेने का जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड वो 60 days का होता है। द एग्स आर डार्क ग्रीन कलर, एग्स ऐसे होंगे डार्क ग्रीन कलर के होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कीवी के बारे में, जिसको आप एप्टेरिक्स भी बोल सकते हो। एप्टेरिक्स ऑफ न्यूजीलैंड इज मोर कॉमनली नोन बाई इट्स नेम कीवी, एप्टेरिक्स जो होता है कीवी के नाम से जाना जाता है। इट इज स्मॉलेस्ट फ्लैटलेस बर्ड, ये बहुत छोटी फ्लैटलेस बर्ड होती है, अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज डोमेस्टिक हेन, जो लार्ज डोमेस्टिक हेन होती है उसके समझ लीजिए ये साइज की होती है। दे आर करेक्टराइज बाई द रेडिश और ग्रेश ब्राउन कोर्स हेयर लाइक फेदर्स, तो मतलब कि रेडिश या ग्रेश कलर के ब्राउन, ग्रेश ब्राउन कलर के फेदर होते हैं। हेड एंड आइज आर कंपेरेटली स्मॉल, हेड और आइज छोटे होते हैं एक दूसरे के कंपेरिजन में, कंपेरेटली स्मॉल होते हैं। दे पसेसेस अ कीन सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से मतलब कि किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, इनमें जो स्मेल करने का सेंस होता है बहुत तेज़ होता है। कीवीज आर नॉकटर्नल एंड बर्रोइंग इन हैबिट, कीवीज कैसे होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं मतलब कि रात्रिचर होते हैं, रात में जागते हैं। अब बरोइंग इन हैबिट, और ये बरो करते हैं, पासिंग द डे टाइम एस्लीप इन अंडरग्राउंड होल, जो बरो करते हैं, जो अंडरग्राउंड होल ये बनाते हैं वो डे टाइम पे उसमें वो सोते हैं। इमर्जिंग एट नाइट, रात में वो निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड लाइक वॉर्म्स एंड स्नेक, फूड ऑफ फूड के सर्च में, सर्चिंग में, जैसे कि वॉर्म्स और इंसेक्ट इनका क्या होता है, फूड होता है। फीमेल इज लार्जर दैन मेल, फीमेल फीमेल के मुकाबले लार्ज होगी। इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज द कीवीज लेज द लार्जेस्ट एग, बॉडी साइज के प्रोपोर्शन के हिसाब से, जैसे मैंने क्या कहा कि कीवीज क्या है, सबसे छोटा फ्लाइटलेस बर्ड होता है, लेकिन इसका एग जो होता है वो लार्ज होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है इसकी बॉडी के मुकाबले में। प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज, जिस हिसाब से इतना छोटी साइज की ये होती है उसके बॉडी साइज के मुकाबले में इसका एक लार्ज होता है सबसे, ऑफ एनी नोन एनिमल्स, किसी भी दूसरे एनिमल्स से। ओनली वन वाइट एग इज लेट एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही एक ये ले करते हैं। और न्यूजीलैंड में इसके फ्लेश को, एक को बहुत अच्छे मतलब कि खाया जाता है, वहाँ पे सेंचुरीज भी बनाई गई है कीवीज को रखने के लिए। लास्ट में हम बात करेंगे कैसोवेरी के बारे में। कैसोवेरीज या कैशोरियस द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये दुनिया में 30 नंबर पर लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है,
लाइव इन डेंसली वुडे पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, निगोनिया एंड एडजेसेंट आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया, निगोनिया और एडजेसेंट जो उसके आइलैंड्स होते हैं वहाँ पर ये डेंसली वुडे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। दे आर शाई नॉकटर्नल, रेयरली सीन। शाई होते शर्माते हैं, शर्मीले होते हैं, नॉकटर्नल मतलब राति रात्र वाले होते हैं, और रेयरली सीन मतलब मुश्किल से देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं। इट इज़ अ ब्लैक इन कलरेशन, इट अ ब्लैक होगा कलर और विच इज़ ब्राउन इन यंग, और यंग में ये ब्राउन कलर का होगा। दे आर क्वरसम, झगड़ालू होंगे, एंड विशियस मतलब शातिर होंगे। एंड ओल्ड मेल्स में अटैक इवन ह्यूमन बींग्स इफ डिस्टर्ब, अगर ओल्ड मेल्स को डिस्टर्ब किया जाए तो वो अटैक भी कर देते हैं ह्यूमन बींग्स पर। द स्किन ऑफ द हेड एंड नेक इज ब्राइटली टिंटेड, जो स्किन होती है हेड और नेक की ये ब्राइटली कलर्ड होती है।